क्लीन क्लोजर क्या चीज है बेसिकली? वो बता रहे कि इसको हम जो है ना सिग्मा पे अप्लाई करते हैं, सिग्मा मतलब सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स, इस पे अप्लाई करते हैं। गिवन एन अल्फाबेट सिग्मा, यानी कि हमारे पास जो सिग्मा यानी कि अल्फाबेट का सेट हमें दिया गया होता है, हम क्या करते हैं, हम एक लैंग्वेज डिफाइन करना चाह रहे होते हैं जिसमें सारे के सारे, इन विच एनी स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट इज अ वर्ड, यहां तक के नल स्ट्रिंग भी। मतलब क्या है इस डेफिनेशन का मतलब? वो कह रहे हैं कि आपके पास गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स हैं, आप उसके ऊपर एक लैंग्वेज डिफाइन करना चाहते हो, और वो इस तरह से करना चाहते हो कि जो है ना एनी स्ट्रिंग ऑफ लेटर, यानी कि जितने भी स्ट्रिंग्स वो लैंग्वेज जनरेट कर सकती है वो सारे के सारे हम एक वर्ड के तौर पे कंसिडर करते हैं, यहां तक के नल स्ट्रिंग को भी। ठीक है, यानी गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स जो जो कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फाबेट का क्लोजर, या अल्फाबेट से मुराद के जो हमारे पास गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स हैं उसका क्लोजर लेना इसे कहते हैं, कि वो जो जो भी जो है ना स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है वो तमाम के तमाम स्ट्रिंग्स को हम वर्ड के तौर पे कंसिडर करते हैं, यहाँ तक के नल स्ट्रिंग को भी, और इसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्लीन स्टार भी कहते हैं। ठीक है, मजीद हाँ इसकी अब कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो अगर हम बात करें इससे पहले एग्जाम्पल की, सिग्मा इक्वल्स टू एक्स, यानी कि लैंग्वेज के अंदर एक ही अल्फाबेट है एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि ये एक्चुअली जनरेट क्या क्या कर सकता है, ये क्या क्या जनरेट कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे सोचना शुरू करें कि सबसे पहले ये जो है ना जीरो लेंथ वाले कौन कौन से स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है। ऐसा करते हैं इसको वर्ड में ओपन करते हैं, वहां पे सॉल्व करते हैं, ये यहाँ तो आंसर सामने नजर आ रहे हैं, हम इसको वर्ड में सॉल्व करते हैं। मैं एक मिनट वर्ड की फाइल शेयर करता हूँ। ये भी आप लोगों के सामने वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। इस पे जैसे वो कह रहे हैं कि आपके पास सिग्मा इक्वल्स टू एक्स, इसका मतलब है कि आपके पास एक ही अल्फाबेट मौजूद है, इसका आपने लेना है जो है ना क्लीन स्टार। आपने बस ये देखना है कि ये क्या क्या अल्फाबेट जनरेट, ये कौन कौन से स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो क्या ख्याल है, सबसे पहले जीरो लेंथ वाला कौन सा स्ट्रिंग ये जनरेट कर सकता है? नल स्ट्रिंग सबसे बिल्कुल, सबसे पहले ये एक नल स्ट्रिंग जनरेट करेगा। फिर आप ऐसे सोचो कि वन लेंथ वाले कौन कौन से स्ट्रिंग ये जनरेट कर सकता है? सिर्फ एक्स अकेला एक्स, क्योंकि एक ही अल्फाबेट है। और क्या ख्याल है कि एक लेंथ वाला कोई और स्ट्रिंग यहाँ पे हो सकता है? नो नहीं हो सकता। फिर आप आओ कि अच्छा टू लेंथ वाला स्ट्रिंग कौन कौन सा यहाँ पे हो सकता है? सर जी, एक्स एक्स 2 times x दो बार, ठीक है, फिर ये तीन बार, टाइम्स चार, बिल्कुल, और इस तरह, और ये तो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने क्या किया है, आपने इस सिग्मा का स्टार ले लिया, यानी कि आपने बेसिकली क्लीन स्टार अचीव कर लिए। आप क्या फाइंड आउट करते हो कि गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट या अल्फाबेट्स के ऊपर आपने लैंग्वेज पूरी डिफाइन कर दी, और इसमें ये जो जो भी स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है वो सारे के सारे वर्ड कंसिडर होंगे, और आप देख सकते हो कि लैंग्वेज में जो भी हमने स्ट्रिंग जनरेट किया है वो सिर्फ और सिर्फ उसी एक अल्फाबेट की मदद से बना है, क्योंकि हमारी जो है ना लैंग्वेज में उसने कहा था एक ही अल्फाबेट हो सकता है, उसका नाम था एक्स। दूसरी एग्जाम्पल देखें कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास सिग्मा है, सिग्मा हमारे पास है जीरो और वन के बराबर, मतलब ये
आप कह लो कि जीरो अलग है और वन अलग है, ठीक है? तो क्या ख्याल है इसका, सिग्मा लें तो क्या आ सकता है? सिग्मा पहले तो नल, पहले नल स्ट्रिंग आएगी, फिर सिंगल्स, फिर डबल्स, फिर ट्रिपल्स, मतलब कि सिंगल के कॉम्बिनेशन, डबल के, फिर ट्रिपल के। हाँ मतलब ये जैसे उन्होंने कहा ना, ये चीज क्लास लाजमी देखनी है कि आपने इसको सीक्वेंस वाइज जनरेट करना है। आप जो है ना पहले देखो कि जीरो लेंथ वाले, फिर वन लेंथ वाले, फिर टू, इससे आप ना एक पैटर्न अंडरस्टैंड कर पाओगे। हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशंस का, उसमें ये चीज बड़ी आपको हेल्प आउट करेगी। यस सर। सबसे पहले नल, क्या ख्याल है, फिर जीरो, और फिर ये क्या जनरेट कर सकता है अकेला, वन। फिर ये क्या कर सकता है, जीरो वन या जीरो जीरो कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी, लेकिन जीरो जीरो पहले कर लेते हैं। जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, वन जीरो, वन वन, ठीक है। मजीद कोई टू लेंथ के कोई स्ट्रिंग ये जनरेट कर सकते है? नो, नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आप आ जाओगे थ्री पर, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा। आप लोगों ने शायद नोट कर लिया हो कि जो है ना क्लीन स्टार से जो हमें लैंग्वेज मिल रही है, जो लैंग्वेज हम डिफाइन कर रहे हैं हम लोग क्लीन स्टार से, तो बड़ा क्लियर कट नजर आ रहा है कि वो लैंग्वेज इनफाइनाइट है। यस सर। क्या ख्याल है, अभी तक हमने जो दो लैंग्वेजेस बनाई है, हमें वो नजर आ रहा है कि ये बेसिकली इनफाइनाइट है। इसी तरह एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये हमारे पास ए बी और सी तीन जो है ना, इसको कॉमा से सेपरेट नहीं किया, कॉमा कॉमा और ये, तो इससे हम क्या लैंग्वेज बना सकते हैं? नल स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग, ए ए, बी बी, सी ए बी, ए बी, ए सी, ए सी, बी ए। सर जी ए ए बी मिस हो गया। भी आ जाती बिल्कुल बी सी, और इसका अपने साथ भी ना, उसका वर्ड का अपने साथ ही, तो डबल ए, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर बी ए, बी बी, बी बी, बी सी, बी सी, बिल्कुल, फिर सी ए, सी सी बी, और सी सी, ठीक है। और इसी तरह फिर आप तीन वाले में आ जाओगे और सो ऑन। इसमें ये चीज देखने वाली है कि देखें ए बी और बी ए ये डिफरेंट है आपस में, ठीक है? तो ये चीज देखनी है, इनका सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, इनका सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, इसलिए जो है ना इनको अलग से फिर बताना लाजमी हो जाता है कि इनका सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। ठीक हो गया क्लास, किसी को भी कोई डाउट यहां तक तो मोस्ट वेलकम, पूछ सकते हैं। नो सर, ठीक है, जबरदस्त हो गया। एक और जो है ना सेट लेते हैं और फिर उसको डिफाइन करते हैं। अल्फाबेट्स हम रखेंगे, एक अल्फाबेट रखते हैं डबल ए बी और एक रखते हैं सी, ठीक है? और इसके ऊपर लैंग्वेज डिफाइन करते हैं और इसको ऐसा कर लेते हैं कि ये डबल ए कैपिटल बी कर देते हैं। तो क्या ख्याल है, इस लैंग्वेज के अंदर कितने अल्फाबेट्स आपको नजर आ रहे हैं? दो।
दो बिल्कुल, दो अल्फाबेट्स, तो ये क्या स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं? पहले नल, और उसके अलावा ए जो है इसी तरह चलते रहेंगे जैसे ए कुछ काम बी करते हैं। ए ए बी सी और फिर ए ए बी जो है मतलब डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं, उसके साथ सी भी हम ऐड जब करेंगे तो वो भी हम डबल ट्रिपल करते रहें जितना। बिल्कुल, लेकिन एक पैटर्न के साथ इंक्रीज करना है ना, मतलब आप यस ऐसे डायरेक्ट आंसर लिखो करेक्ट कंसिडर होगा अगर उसमें वो फॉल करता है, लेकिन ये कि अगर आप सीक्वेंस से चलो तो बड़ा आसान। देखो आपने डबल ए बी कर दिया, तो आप फिर डबल ए बी के साथ एक बार सी लगा दिया, यस सर। फिर सर जी इसको मेरे ख्याल से डबल सी लेक्सिकोग्राफी कहते हैं, इसको क्या लेक्सिकोग्राफी, कहते हैं? लेक्सिकोग्राफी ऐसे या ही लेक्सिकोग्राफिक आप नोटेशन। वर्ड्स डिफाइन कर रहे हो ना, यस आप वर्ड्स डिफाइन कर रहे हो, तो फिर एक बार डबल ए बी और सी आ गया, फिर सी के साथ एक बार डबल ए बी आ गया, और फिर सी और सी, जी इस तरह से आप बेसिकली ये सही कह रहे हैं। इस टर्मिनोलॉजी को हम लोग बेसिकली वर्ड्स डिफाइन करें जो इस लैंग्वेज का हिस्सा होंगे। बड़ा क्लियरली एक एक वर्ड जो करेक्ट कंसिडर होगा इस लैंग्वेज में वो हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसने भी जो जो है ना लैंग्वेज डिफाइन की है, यानी ये क्लीन स्टार ने, वो भी इनफाइनाइट होगी, वो भी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें और कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि मैं वापस पीडीएफ आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, यहाँ यहाँ तक किसी ने कोई भी क्वेश्चन करना हो तो मोस्ट वेलकम। नो सर, ठीक है। हो गया ये, बाकी लोग जो बिल्कुल जो खामोश हैं, बस मेक श्योर रखें कि उनको चीज समझ आ रही है, ठीक है। क्लीन क्लोजर के बारे में मजीद थोड़ा बहुत उसने लिखा है कि इज एन ऑपरेशन दैट मेक्स एन इनफाइनाइट लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स आउट ऑफ एन अल्फाबेट। एक अल्फाबेट से वो इनफाइनाइट लैंग्वेज जनरेट कर सकता है। अभी हमने यही चीज ऑब्जर्व की है, आपके स्क्रीन पे भी ये आपको लेफ्ट साइड पे आंसर्स जो नजर आ रहे हैं वो इसी बात का प्रूफ है कि ये इनफाइनाइट लैंग्वेज जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और यह इनफाइनाइट से क्या मुराद है कि इनफाइनाइटली मैनी वर्ड्स जनरेट कर रहे हैं, और हर एक की जो लेंथ है वो वो फाइनाइट फिनिट है। हो। यस बिल्कुल, जो वर्ड्स की लेंथ है वो फाइनाइट। जैसे आप देखो ना, आप 0 से 1 से फिर 2 वाली लेंथ पे 3 वाली, ठीक है, आप ऐसे मूव करते हो, वर्ड्स की लेंथ फाइनाइट है, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो बजाते खुद जो जितने वर्ड्स जनरेट हो रहे हैं वो इनफाइनाइट है, क्योंकि देखना डॉट 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 लग जाता है। फिर वो बताता है कि वी राइट वर्ड्स इन द लैंग्वेज इन साइज ऑर्डर, ठीक है, हम साइज ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे हम लोग अभी आपको मैं कह रहा था कि 0 लेंथ वाला, फिर 1 लेंथ वाला, फिर 2 लेंथ वाला, जैसे अभी, और इसको कहते हैं कि जैसे उन्होंने नाम लिया लेक्सो लेक्सिको ग्राफिक ऑर्डर कहते हैं इस चीज को, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। सीक्वेंस में लिखना कि 0 लेंथ वाला, फिर 1 लेंथ वाला, फिर 2 लेंथ वाला, हर वर्ड को डिफाइन करते हुए, तो इसको लेक्सिको ग्राफिक ऑर्डर भी कहते हैं। बिल्कुल यही चीज है, नेक्स्ट टॉपिक आपका प्लस ऑपरेशन, ठीक है, इस सेम एज क्लीन स्टार क्लोजर, सिर्फ फर्क ये कि ये नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं करता, बाकी सब कुछ ऐसा ही है। देखिए ये भी इनफाइनाइट वर्ड्स जनरेट कर रहा है, हर वर्ड की लेंथ फाइनाइट है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या आपको साफ नजर आ रहा है कि इसमें नल स्ट्रिंग नहीं होता। बस नल स्ट्रिंग को निकाल दो तो वो प्लस ऑपरेटर बन जाता है, और नल स्ट्रिंग को कंसिडर कर लो तो वो आपका क्लीन स्टार बन जाता है। इसको देख लें, इसमें कोई चीज समझना आए तो पूछ लें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने नल स्ट्रिंग को निकाल दिए तो वो प्लस ऑपरेशन बन गया। क्लास कोई डाउट यहां तक?
नो सर ठीक है, बस इतना सा प्लस ऑपरेशन है। क्लीन स्टार में नल आ जाता है क्लीन क्लोजर में, और प्लस ऑपरेटर में बस नल स्ट्रिंग नहीं आता, बाकी सारी सारी प्रॉपर्टीज। अब और इसको एक छोटी सी चीज, इसको प्लस से डिनोट करते हैं, ऊपर सिग्मा से था तो इसको प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक चीज बस, जैसे ऊपर जो आया था, अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स हैं और जो है ना इसका क्लीन क्लोजर लें लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में, तो आपको इस सीक्वेंस में लिखना होगा। ठीक है, कि स्ट्रिंग लेंथ जीरो वाला, फिर वन वाला, फिर टू वाला, इस तरह ही आपको लिखना होगा। अगर मेंशन हो जाए लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में लिखने का, बस इस बात का ख्याल रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। बाकी जो है ना, जो डिफाइनिंग लैंग्वेज वाला काम जो हमने किया था, उसमें यही था कि आपको लैंग्वेज दी जा सकती है, ये इस तरह ग्राफिक जो है ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपसे कहा जाएगा कि इस तरह सेट बना के लिखें, या सेट गिवन हो सकता है, कहा पूछा जा सकता है कि बताएं कि ये किस चीज़ की लैंग्वेज है, तो वो आपको फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना पड़ सकती है। तो दोनों तरह से ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैं जूम कर देता हूँ एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट आपका है जी रिकर्सिव लैंग्वेज डेफिनेशन। एक और तरीका लैंग्वेज को डिफाइन करने का, पहला आपने किया डिस्क्रिप्टिव, जिसकी हमने एग्जांपल्स की थी लास्ट वीक, अब आगे रिकर्सिव। आप लैंग्वेज को रिकर्सिवली डिफाइन करते हो। रिकर्सिवली कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। आपके पास, हाँ जी, ये रिकर्शन क्या चीज है, जब भी एक एंटिटी को उसकी जो है ना डेफिनेशन के अंदर रेफर किया जाता है, जैसे हम लोग रिकर्सिव फंक्शंस भी यूज करते रहे, हम सी सी प्लस प्लस में या किसी भी लैंग्वेज जावा में, किसी भी लैंग्वेज में रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं, हम लोग जावास्क्रिप्ट में रिकर्सिव फंक्शन यूज करते रहे, तो फंक्शन अपने आप को कॉल करे, एक फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करे तो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है ना। यस सर, ये बिल्कुल, तो ये आपका रिकर्शन का या रिकर्सिव होने का ये मतलब है, एक चीज अपने आप को खुद कॉल करे। इसके तीन रूल्स हैं, बहुत सिंपल से रिकर्सिव जो है ना रिकर्सिव लैंग्वेज डिफाइन करने के सिंपल से तीन रूल्स हैं, उस पर अगर हम बात कर लेते हैं। सिंपल से रूल ये है, सबसे पहले आप एक क्या कहते हो, एक बेस केस डिफाइन करते हो, एक बेस केस डिफाइन करते हो। बेस केस से क्या मुराद है, कि आप कुछ उस लैंग्वेज का बेसिक जो एक वर्ड वो जनरेट कर सकती है वो डिफाइन करते हो। जैसे इसने कहा कि आप जो है ना बेस केस डिफाइन करते हो टर्मिनेशन के लिए, और एक बेस केस डिफाइन करते हो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, मीन्स के ये लैंग्वेज यहां से शुरू हो सकती है और कम से कम ये वाला वर्ड जनरेट करेगी। इस तरह से आप बात स्टार्ट करते हो, ये लैंग्वेज है। लेट सपोज सवाल आया कि लैंग्वेज जनरेट करें जिसमें सारे इंटीजर हो, तो आप कोई एक इंटीजर को कहो के हाँ कि ये जो है ना ये एक इंटीजर है। लेट सपोज वन एक इंटीजर है, ठीक है। अब एक बेस केस बनाओगे, आपसे कहते हैं कि जो है ना एक लैंग्वेज डिफाइन करें और वो सारे के सारे इवन वर्ड्स की हो, इवन लेंथ उसमें आ रही हो, या चलो ऐसे करो, आसान करते हैं पहले, कि इवन नंबर्स की लैंग्वेज डिफाइन करें, इवन नंबर्स की। तो आप एक बेस केस डिफाइन करोगे ना कि जी ये टू जो है ना ये आपके पास इवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बेस केस डिफाइन करते हो, कैसे भी हम करते हैं उसको तो आप लोग भी देख लोगे, और उसके बाद आप उसका रिकर्सिव पार्ट जो है ना डिफाइन करते हो, रिकर्सिव पार्ट डिफाइन करते हो बेस केस के हिसाब से, बेस केस के हिसाब से, यानी कि बेस वैल्यू के हिसाब से आप उसका रिकर्सिव पार्ट डिफाइन करते हो। किस तरह से, ये मैं आपको मजीद नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, ये इन्होंने बताया आपको नेक्स्ट स्लाइड पे कि
इस डेफिनेशन में वो तीन स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले आपने कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स को सेट के अंदर, सेट के अंदर से कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स को आपने डिफाइन किया। जैसे मैंने कहा कि इवन नंबर्स की लैंग्वेज को अगर आपने डिफाइन करना है तो आपने कहा जी ये नंबर है टू, ये जो है ना लाजमी सी बात है ये एक इवन नंबर है। आपने एक बेस ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। सेकंड में क्या है कि आप कुछ रूल्स देते हो, जिन कोई रूल या रूल्स जिसके तहत आप उस लैंग्वेज के मजीद ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। उस जो है ना आपका पास जो बेसिक ऑब्जेक्ट था उसको एक्सटेंड कर सकते हो, उससे रिलेटेड, उससे मिलते जुलते आप मजीद ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हो जो बेसिकली उसी के सेट से बिलोंग कर रहे होंगे। और लास्ट बात ये होती है कि आप ये कह देते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने इससे ऊपर वाले स्टेप में रूल कंस्ट्रक्ट किया है उससे अगर जो है ना जनरेट नहीं होगा तो वो सेट में अलाउड नहीं होगा, सिर्फ वही जो है ना आपके ऑब्जेक्ट्स करेक्ट कंसिडर होंगे जो बेसिकली आपके बनाए हुए रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो जो है ना ऑब्जेक्ट सेट का हिस्सा होंगे, जो इस रूल को आपके बनाए हुए रूल को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो इस सेट का हिस्सा कंसिडर नहीं होंगे। पहली चीज, खुद से कोई बेस जो है ना बेस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करो। सेकंड, रूल डिफाइन करो जिस रूल के तहत ये बेस ऑब्जेक्ट मजीद जो है ना आपके ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते और आप उस रूल के तहत मजीद कुछ वर्ड्स कह लो या जो है ना ऑब्जेक्ट्स कह लो वो कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ। और थर्ड में कह दो बस जो सेकंड वाले रूल के मुताबिक होगा वही करेक्ट कंसिडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये सारी बातें हम लोग साथ वाली स्लाइड पे देख लेते हैं, दोनों स्लाइड ओपन रखते हैं तो बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि बताएं कि लैंग्वेज इवन जहां आपके पास गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स ये रखे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहे और ऑनवर्ड्स जाता चला जा रहा है। उसने कहा है कि आप जो है ना इवन लैंग्वेज डिफाइन करें रिकर्सिव अंदाज से, कि इवन लैंग्वेज वो जनरेट करे। ठीक है, कैसे करेगा? अगर हम इसको पहले इनफॉर्मली देख लें, यानी कि अपने पास आप कह लो कि साइट पे रफ में लिखा कि इसका लॉजिक डिफाइन किया कि इवन नंबर होता क्या है। अभी आपने रिकर्सिव लैंग्वेज स्टार्ट नहीं की, आपने इसको इनफॉर्मली देखा। तो हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी नंबर, लेट से एक्स है, वो अगर आपका एक्स टू से डिविजिबल है तो हम उसको हमेशा इवन कहते हैं, और अगर वो टू से डिविजिबल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर नहीं है। तो हमने इस गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स में से अब लैंग्वेज बनानी है इवन के लिए। तो देखें पहला रूल क्या था, वो कहता है कि फर्स्टली वी स्पेसिफाई सम बेसिक ऑब्जेक्ट्स। कोई बेसिक ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हो तो सबसे पहले आप कह लो कि ठीक है टू एक ऐसा नंबर है जो इवन है। ये बेस बना दिया ना आपने, टू एक ऐसा नंबर है जो के आपके पास इवन नंबर है, ये आपका बेस बन गया। तो क्या ख्याल है इसका, अगर हम रूल बना दें कि लेट से एक्स अगर हमारा इवन है, हमने इसको एक्स कह दिया, अगर एक्स हमारा इवन है तो एक्स प्लस टू अगर हम करें तो वो भी क्या होगा, इवन होगा। क्या ख्याल है, इवन होगा। क्या ये रूल के लिए कैसा है, ये रूल बन सकता है ना? यस बन सकता था, है ना, कि हर एक्स प्लस टू जो है आपके पास एक इवन नंबर आएगा। आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, ठीक है, बेस क्या है इसमें, बेस आपके पास टू है, ठीक है। तो जो भी एक्स की जो है ना, अगर एक्स इवन है
यानी इवन कैसे आपने टेस्ट किया होगा कि आपने देखा डिविजिबल बाय टू है कि नहीं, हर इवन नंबर को अगर आप उसमें टू ऐड करो तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इवन होगा। आप इसमें देख भी सकते हो ये 4, 6, 8, 10 ये सारे वर्ड्स जनरेट कर सकता है। और आपने थर्ड में भी ये बता दिया कि वही एलिमेंट्स वही ऑब्जेक्ट्स आपके जो है ना इवन लैंग्वेज के सेट में होंगे, करेक्ट कंसिडर होंगे, जो ऊपर बताए गए आपके दोनों रूल्स के मुताबिक सेटिस्फाई हो रहे होंगे। आपके ऊपर बताए हुए अबव दो जो रूल्स हैं इनके मुताबिक वो सेटिस्फाई हो रहे होंगे तो वो आपका जो है ना वर्ड या वो आपका एलिमेंट या वो आपका ऑब्जेक्ट, तीनों एक ही बात है, एलिमेंट वर्ड या ऑब्जेक्ट जो है ना आपकी लैंग्वेज का हिस्सा कंसिडर किया जाएगा जो ऊपर वाले दो रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसको एक बार अच्छे से देख लें, इसमें कोई डाउट तो पूछ लें। पेशा जो मोबाइल पे ले रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि ये जो रिकर्सिव लैंग्वेज की डेफिनेशन है इसको सामने रखते हुए सारी एग्जांपल्स वो सॉल्व कर रहे हो। इसको बेशक साथ थोड़ा थोड़ा जो है ना लिखते भी रहा करें ताकि साथ साथ थोड़े हिंट्स आपको मिल जाए। रिकर्सिव लैंग्वेज डेफिनेशन, एक और एग्जांपल देखते हैं। वो कह रहे हैं कि एक लैंग्वेज बनाए जिसका नाम है पॉजिटिव, जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर आए, जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आए। आपने इसकी लैंग्वेज बनानी है तो इसके लिए क्या, सबसे पहले आपने बेस केस बेस ऑब्जेक्ट डिफाइन करने हैं। आपने कहा जी वन जो है ना वो पॉजिटिव में होता है, वन जो नंबर है वो इस सेट का हिस्सा होगा ही होगा। आपने पॉजिटिव नाम की लैंग्वेज का जो बेस ऑब्जेक्ट है वो डिफाइन कर दिया, वन इससे बिलोंग करेगा। अच्छा, अगर वन इससे बिलोंग करेगा ठीक है, तो हम क्या, हमने कह दिया कि अगर लेट सपोज दो इसमें से हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं, लेट सपोज एक्स और वाई, एक्स और वाई दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। अच्छा, एक और बात, ये रूल एक ही लैंग्वेज के लिए मुख्तलिफ रूल्स भी हो सकते हैं। जैसे जब अगर मैं आपको ये वह तरीका बता रहा हूँ अभी, इसके अलावा आपसे एक दो रूल्स और पूछ सकता हूँ, सकते हैं वो भी करेक्ट हो, आप जो बता रहे हो वो भी करेक्ट हो, ठीक है। तो अभी ये क्या बता रहे हैं कि लेट सपोज एक्स और वाई, हमने कहा कि ये भी पॉजिटिव है सर, तो ये तभी पॉजिटिव। जी जी सर, ये रूल्स गिवन नहीं होंगे, मतलब रूल वन रूल टू ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है ये कि पहला पॉजिटिव हो वन और फिर x एंड y जो है वो भी पॉजिटिव हो, और सो मतलब x प्लस y हम जब करें उसमें मल्टीप्लाई भी उन्हें करें और डिवाइड भी करें तो वो पॉजिटिव आना चाहिए। ये देखो ये क्या है, ये आपने रूल डिफाइन कर दिया ना इस लैंग्वेज के लिए। क्वेश्चन हो ये होगा कि भाई आपने डिफाइन करो इसको, ये लैंग्वेज है इसको डिफाइन करके दो मुझे, तो फिर आप उसके जो है ना रूल वन उसका यानी कि बेस खुद बताओगे, फिर उसका रूल खुद बताओगे, और तीसरा तो खैर सिंपल ही है। तो पहली दो चीज़ें आप खुद बताओगे कि भाई ये बेस है और ये इसका रूल है और इसके तहत ये जो है ना ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स जो है ना डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है सर। यस सर। सर जी, वो तो लैंग्वेज की जो है ना ये डिस्क्रिप्शन देख के बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि क्या बेस क्लास लेनी है या बेस जो मैंने लेना है वो क्या लेना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने वन से स्टार्ट किया था और इवन नंबर काउंट करने थे, तो सबसे जो लोवेस्ट उस रेंज में बनता है वो टू ही बनता है। अगर वो ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले होते तो हम ज़ीरो को बेस मानते, क्योंकि ज़ीरो प्लस टू प्लस टू ऐसे करके वो इवन नंबर है, ज़ीरो भी तो एक इवन है। इस वजह से तो वो लैंग्वेज की डेफिनेशन देख के हम ये रूल्स बनाते हैं कि लैंग्वेज किस तरह की है उसके हिसाब से करते, इसलिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी यहाँ हमने ये रूल बनाया, ये रूल क्या है जी, अगर लेट्स हमने कहा जी एक्स और वाई दोनों जो है ना पॉजिटिव है यानी कि इस लैंग्वेज का हिस्सा है, तो अगर वो इसका हिस्सा है तो आप उनको ऐड करो, ऐसे भी आपने कहा मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो लाजमी सी बात है कि एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, वो ऐसा आंसर आएगा
कि जो है ना वो भी इस पॉजिटिव लैंग्वेज से बिलोंग करता होगा, ये इन्होंने एक रूल बताया है। पिछली एग्जाम्पल को जेन में रखते हुए आप ये जो दूसरा रूल है वो किसी और तरह कैसे डिफाइन कर सकते हो, कोई और तरीका आपके जेन में हो? मैं एक मिनट के लिए स्क्रॉल ऊपर भी कर देता हूँ। यहां पे जैसे आपने डिफाइन किया है, एक नजर इसको दोबारा से देख लें आप, यहां का कौन सा ऐसा रूल है, कौन सा ऐसा लॉजिक है जो आप यहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हो रूल टू की जगह? सर वहाँ पे मतलब कोई भी नंबर पॉजिटिव हो जाए, मतलब एक्स एंड वाई यहाँ पर रखा हुआ है ना, तो कोई पॉजिटिव नंबर उसकी जगह रख दें और उसको से प्लस कर दें, या वन के अंदर एक्स को प्लस कर दें या वाई को वन के अंदर प्लस कर दें, तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ये बात समझिए आप सबको कि चाहे एक्स को देखा या चाहे वाई को देखा, अगर उनमें एक 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 प्लस किया जाए तो भी उनका जो आंसर आएगा वो वो एक पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव बिल्कुल ही पॉजिटिव लैंग्वेज से बिलोंग करता होगा। लेकिन अब बेस आपने वन बना दिया, अब इसमें आप वन की जगह 10 ले लो, 50 कर लो, उसमें एक ऐड करो, तो जो भी नंबर आएगा वन में ऐड करने के बाद, उस नंबर में वन ऐड पॉजिटिव करने के होगा। बाद, यस बिल्कुल सर। सर जी लेकिन इस डेफिनेशन को अगर देखा जाए, जो रूल नंबर टू बनाया इधर, ये एम्बिगुअस फ्री है। हमें ऐसा डेफिनेशन बनाना चाहिए जो एम्बिगुइटी भी क्रिएट ना करे। जैसे हम कहते हैं ना एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वो हमेशा वन ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए वो हमारी नज़र में ठीक है। लेकिन शायद इस रूल के मुताबिक अगले को एम्बिगुअस लगे, वो ये समझे कि हर दफ़ा नंबर के साथ वन ही ऐड करो तो पॉजिटिव आएगा। मे बी लैंग्वेज की डेफिनेशन के अंदर लिखा हो -2, तो -2 + 1, तो वो तो डेफिनेटली वो -1 आता है, जो कि रूल को अनसेटिस्फाई सर कर सकता है। इस केस में वो इसलिए स्टेरिक स्टेरिक यूज़ बंदा कर ले, जो नंबर्स की जगह ना सर के ऑल द नंबर यूज़ हो सकते हैं, जो उसके साथ प्लस किए जाएं तो आगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, वो पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग वो हाँ नेगेटिव नहीं। हाँ लेकिन इसका जो मैं ये रूल बता रहा था ना, ये इसलिए 100% एक्यूरेट है, ये जो रूल टू इधर डिफाइन हुआ हुआ है, क्योंकि इसके मुताबिक कांस्टेंट टर्म नहीं है। ये इसने एज्यूम किया कि लेट से दो टर्म्स है, दो इंटीजर्स है या दो नंबर्स है हमारे पास, उनको प्लस करो तो आ सकता है पॉजिटिव, क्योंकि जाहिर सी बात है दो नंबर्स को प्लस करो और वो पॉजिटिव सेट से बिलोंग करते हो, जैसे ऊपर डेफिनेशन में कहा है, तो वो प्लस करो तो पॉजिटिव आएगा। माइनस इसलिए गिवन नहीं है क्योंकि माइनस करने से हो सकता है छोटे में से बड़ा माइनस करो तो आंसर तो नेगेटिव आ गया। सेम नेगेटिव आ इज़ द जाए। केस फॉर, जैसे मैंने कहा कि लेट से लैंग्वेज के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, लेकिन प्लस वन करने पर अगर लेट से -2 लैंग्वेज के अंदर मौजूद है ऊपर सेट में, -2 के साथ +1 ऐड करो तो आंसर तो -1 बनता है। इसीलिए वाई और एक्स की फॉर्म में लिखा गया है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन बंदे को कन्फ्यूज़ नहीं करनी कि आसान वन रखना है कि टू रखना है क्या रखना है, उसको पता है कि मैंने एक्स की और वाई की वो वैल्यूज़ लेनी है जो पॉजिटिव बनती हो। वन के लिए बिल्कुल उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, टू के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए। ठीक है। ये चीज भी, ये भी एक फैक्टर है जो साथ साथ आपने जहन में रखना है। मतलब जैसे अभी इस स्टेज पे ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन आगे जाके मतलब ये चीज भी जहन में रखनी है कि चीज ऐसी हो जो एम्बिगुअस ना हो, लैंग्वेज कुछ थोड़ी क्लियरली स्टेटेड हो, ताकि मशीन के लिए इसकी वही जो इन्होंने बातें की हैं कि इंटरप्रिटेशन आसान हो, ये दो बातें सेम रखनी है, एम्बिग्विटी ना हो ताकि इंटरप्रिटेशन आसान हो। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वो बताता है, एक और एग्जांपल बताता है कि एक लैंग्वेज ए एन बी एन, ए की पावर एन बी की पावर एन, और एन इक्वल्स 1 2 3, यानी कि पॉजिटिव नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर। अब देखें यहाँ पर उन्होंने वन से स्टार्ट किया ना, तो दैट मीन्स के जो बेस के हमारे पास मिनिमम जो ये लैंग्वेज जनरेट होगी यहाँ से, अगर ए की वैल्यू 1 हो और बी की वैल्यू 1, तो इसका मतलब है A1 B1, यानी कि ए और बी ये जनरेट ए कर सकते। एग्जैक्टली यस सर। ए और बी, ए बी। एक चीज क्लास और देखनी है, यहाँ पे ए और बी दोनों पे एन ही है, ठीक है, दैट मीन्स के जो ए की वैल्यू होगी वही बी वही की उस टाइम होगी। बिल्कुल वही बी की होगी। ये छोटी सी बात आपने लाजमी यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है कि आगे कुछ एग्जाम्पल्स में इनके एक्सपोनेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो वहां पे जरा फिर एहतियात करनी है। ए और बी दो आपके पास अल्फाबेट्स हैं, तो इसको हम लोग रिकर्सिव अंदाज से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सबसे पहले जैसे आपने डिफाइन किया
बेस केस कि भाई ए बी लाजमी सी बात है वो इस जो है ना लैंग्वेज का हिस्सा है, इसमें इससे बिलोंग करेंगे, इस लैंग्वेज में होंगे। फिर आपको कि अगर आप कोई भी नंबर लेट से एक्स को देख रहे हो कि वो इसका हिस्सा है, तो लाजमी सी बात है कि आप अगर उनको मल्टीप्लाई करो आपस में, ए स्टेरिक अगर ए स्टेरिक बी लो तो वो भी आपका ए एन बी एन का हिस्सा होगा। आप अगर जो है ना उनका स्टेरिक लो तो वो भी आपका जो है ना इसी लैंग्वेज का हिस्सा होगा, आपने रूल बनाया। और थर्ड वही चीज है कि जो है ना कोई भी स्ट्रिंग जो इसके अलावा कंस्ट्रक्ट होगा वो कंसिडर नहीं होगा, जो इस रूल के मुताबिक कंस्ट्रक्ट होगा वो करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, ये एग्जाम्पल फोर आपको कराता हूँ, फिर इस तरह की दो चार और एग्जाम्पल्स मेरे पास लिखी हैं वो मैं आपको कराता हूँ। इसको देखिएगा, वो कह रहे एक लैंग्वेज है, लेट्स उसका नाम है एल, ऐसे स्ट्रिंग्स की जो ए पे एंड हो रही हो, ठीक है, जो हमेशा ए पे एंड हो रही हो, और yes, आपके पास सेट ऑफ अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं, ए और बी, ठीक है, ये ए और बी, क्या ख्याल है? यस सर, ठीक है। और वो कह रहे हैं लेकिन हाँ शर्त ये कि हमेशा ए पे ही खत्म हो रही हो, हमेशा ए पे ही खत्म हो रही हो। तो हम पहले रिकर्सिव में जाने से पहले यहाँ थोड़े से लिख लेते हैं कि कौन कौन से ये वर्ड्स जो है ना जनरेट कर सकता है। तो क्या ख्याल है कौन कौन से अल्फाबेट जनरेट कर सकता है ये ए और बी? ए, डबल ए, डबल ए कर सकता है, बी ए कर सकता है, बी ए, ट्रिपल ए, ए कर सकता है, ट्रिपल ए, ए बी ए कर सकता है, इसी तरह चलता जाएगा। मतलब आप सबको ये बात समझ आ रही है ना क्लास की, ये किस तरह ये लास्ट वाला टॉपिक था उसको देखा है इसमें कि ये पैटर्न किया है इसके अंदर। यस, और मेरा ख्याल है आप सबको समझ ये भी आ रहा होगा कि हमने नल स्ट्रिंग को क्यों यहाँ कंसीडर नहीं किया। जी सर, जी सर, लास्ट में होना चाहिए, उसमें ए होना चाहिए। देखिए अब समझे कि सामने रिकर्सिव लैंग्वेज डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये आपके पास लैंग्वेज लिखी हुई है। तो यहाँ से हम एक पैटर्न निकाल सकते हैं ना, देखें ये ए पे एंड हो रहा है, अच्छा ये तो है ही, ये दूसरा देखेंगे, ये मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, दूसरा आपके पास देखें ए पे खत्म हो रहा है, पहले कुछ भी आ जाए, दूसरे का देखो ये ए पे खत्म हो रहा है, कुछ और भी आ सकता है यहाँ पे, जैसे पहले ए था अब बी आ गया, तीसरा देखें वर्ड ये ए पे खत्म हो रहा है और शुरू में डबल ए आ गया, कुछ भी आ सकता है, फिर देखें यहाँ ए बी आ गया, मतलब हर एक वर्ड जो आगे भी आएगा उस हर वर्ड में एंड पे ए होगा, ए से पहले कुछ हो भी सकता है, जैसे ए या बी या डबल ए, डबल ए बी, डबल ए भी आ सकता है, ट्रिपल ए भी आ सकता है, बी ए भी आ सकता है, बी 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 भी आ सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि कुछ भी ना आए, जैसे आपने सबसे पहले वाला देखा उसके उसमें ए से पहले कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपने जो है ना जो उसका क्वेश्चन लिखा हुआ था क्या ख्याल है, उससे पहले आपने देख लिया कि कौन कौन से स्ट्रिंग्स ये जनरेट करता है, उसको एक सीक्वेंस में लिखा, और क्या ख्याल है उसमें से एक पैटर्न निकाला, उसमें से आपने पैटर्न निकाला कि अच्छा यार ये बेस हो सकती है, क्या ख्याल है इसको आप बेस बना देते हैं, कि ये तो आपके पास बेस केस है, ये आपका बेस केस है, और जो है ना उसके बाद आपने कहा कि भाई एंड पे ए आ रहा हो, एंड पे ए आ रहा हो, शुरू में जो मर्जी आए, कुछ आए या कुछ ना आए, इसको जेहन में रखते हुए अब आप इस जो है ना एग्जांपल को देखो, इसके सॉल्यूशन को देखो,
उसने कहा जी बेस केस उसने डिफाइन कर दिया ए, वो इस लैंग्वेज का हिस्सा होगा ही होगा। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हो कि जो है ना मजीद जो ये जो वर्ड्स है जनरेट जो करेगा वो करेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, उसको चेक करने के लिए आपने रूल ये स्टेट किया, ध्यान से देखिएगा, इफ एक्स इज इन एल देन एस और आगे एक्स इज आल्सो इन द लैंग्वेज एल वेयर एस बिलोंग्स टू, वेयर एस बिलोंग्स टू, आपने इसका सिग्मा स्टार ले लिया। अब देखें जो एग्जैक्टली क्लीन क्लोजर किसका, इस ये देखें इसका सेट का जो ओरिजिनल सेट है, जो ओरिजिनल सेट है उसका क्लीन क्लोजर आप अगर लें तो वो जो है ना ये एस और आगे एक्स। देखें एक्स क्या है, एक्स तो आपने क्या कह दिया ना ये ए है, ठीक है। अब एस क्या है, एस उसने कहा है सिग्मा स्टार यानी कि क्लीन क्लोजर। जो मैं एक वर्ड यूज कर रहा था यहां तो कुछ भी आ सकता है और कुछ आ भी सकता है कुछ नहीं भी आ सकता। अगर मैं सबसे पहले बेस केस की बात करूं तो इसमें एस और आगे एक्स कैसे सेटिस्फाई होता है, इसमें एस की जगह क्या आ गया, कुछ भी नहीं, एस की जगह सिग्मा सॉरी एस की जगह तो नल आ गया ना, यस कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, की जगह ए आया, बिल्कुल। और देखें जो नल स्ट्रिंग है वो भी तो इस सिग्मा स्टार से बिलोंग करती है, यस सर, क्लीन क्लोजर से बिलोंग करती है सर, करती है। ये जो एल लिया हुआ यहाँ पर, हाँ जी, एक्स इज इन एल, सर ये किस लिया, ए इज इन एल, ये क्या चीज़ है, जैसे क्वेश्चन में उसने लैंग्वेज का नाम रख दिया ना एक, अच्छा एल, हाँ ठीक है, ठीक है। अगर नाम मेंशन नहीं है तो आप जो मर्जी लिखें, आप पूरा लैंग्वेज लिख दो या खुद से को नाम एज्यूम कर लो, वो आपकी मर्जी है। और सर ये जो एक्स है नीचे उसको वो ए कर दिया है कंसीडर, हाँ उसको ये बेस केस ए कंसीडर कर लिया, और एस को क्या कह दिया, एस क्या कह दिया, सिग्मा स्टार, जो उससे पहले नंबर जान दिया, जो भी एलिमेंट्स हैं वो उससे पहले जानने हैं, बिल्कुल ठीक, ठीक है। देखिए ये ऐसे नहीं कर सकता था कि एस उसके बाद एक्स और उसके बाद फिर एस कर दे, क्या ख्याल है, तो गलत हो जाएगा ना, यस जी सर गलत हो जाएगा, ये सिर्फ तब ट्रू माना जा सकता था अगर एस की जगह पर नल स्ट्रिंग हो, तब उस केस के लिए शायद ट्रू माना जाए, क्योंकि बाद में भी नल स्ट्रिंग आ जाए तो वो तो है, लेकिन नल स्ट्रिंग खुद एक स्ट्रिंग है उसके लिए भी गलत है वैसे, क्योंकि नल स्ट्रिंग खुद भी एक स्ट्रिंग है, मतलब ये नहीं है कि नल का मतलब ये कि होता ही नहीं, होता है तो ये भी तो एंड किसी चीज़ से हो रहा है तो वो भी गलत कर, ये भी जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। अब अच्छा एक और चीज़ देखें, जैसे ये इसका तो क्वेश्चन ये था कि ना एंडिंग इन ए, उसके लिए आपने ये एस और आगे एक्स इस तरह से आपने सेटिस्फाई कर दिया। ये जो मैंने साइड पे बना दिया है ये वाला एस बीच में एक्स और एंड पे फिर एस, कीपिंग इन माइंड कि एक्स जो है ना वो ए के बराबर है, ठीक है, एक्स जो है वो ए के बराबर है, तो आप क्या समझते हो कि इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये किस चीज के लिए रूल बना है, मतलब यहां लिखा हुआ नहीं है वैसे पूछ रहा हूं कि ये किस चीज का रूल बन गया है, इसकी लैंग्वेज क्या हो सकती है, इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है सर, कि वो इसका ये हो किसी भी चीज से एंड हो सकता है, एंड हो जाए अगर एंड देखा जाए तो किसी भी चीज से एंड हो सकता है, लेकिन शुरुआत भी उसी लेटर से होनी चाहिए, ये है शुरुआत और एंडिंग सेम होनी चाहिए। अच्छा कोई और साथ को रिफाइन करना चाहे थोड़ा से और, जैसे वो दोबारा सोचो, एक को हमने बीच में फिक्स कर दिया, सेम एक को हमने फिक्स कर दिया, हाँ, और क्या नाम से कोई भी लेटर आ सकता है, एक जैसे अब ए और बी है तो क्या नाम से ए ए बी हो सकता है, तो ए क्या नाम से बी ए बी हो सकता है, इस तरीके से सर सिग्मा स्टार होगा फ्रंट पे भी और सर एंड पे भी सिग्मा स्टार है हमारे पास सर, लेकिन बीच में इन्होंने जैसे इन्होंने बात की असद ने, देखेंगे ए को हमने फिक्स कर दिया,
यस सर, यानी कि उस दरअसल हमने स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना होता है। स्टार्टिंग पॉइंट ठीक, हाँ बिल्कुल, हमें बेस केस बताना ना कि ये बेसिकली ये जो मैंने रूल लिख दिया है ये किसके लिए रूल हो सकता है। जैसे उन्होंने बताया देखें कि ए को फिक्स कर दिया है, तो क्या ख्याल है इसको हम ये कह सकते हैं ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक ए एट लीस्ट लाजमी आएगा। यस सर, एट लीस्ट वन ए। नहीं नहीं, मिनट की बात नहीं है, फर्स्ट और बाद में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक उनके दरमियान, मिड का मतलब बिल्कुल दरमियान का मतलब मिड नहीं, लेकिन कम से कम एक ए होना चाहिए, ये मतलब हो सकता है। एक ए होना चाहिए, क्या मतलब इस बात का, मैं आपको एक मिनट जरा इसको मैं करके भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि मैं एक मिनट वर्ड खोलता हूँ, वर्ड पे आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं इसको स्टॉप किया, अभी आप सामने एक जो है ना, एक जैसे मैंने लिखा था कि एस, और फिर मैंने कहा था कि कैपिटल कर देता हूँ एस, फिर मैंने कहा था कि एक्स, और फिर मैंने कहा था एस। यस, क्या ख्याल है, ये मैंने लिखा था। यस सर, और मैंने कहा कि एक्स जो है ना वो बराबर है, कैपिटल लिख रहा है इसको, मैं कैपिटल लिख रहा हूं, बिल्कुल, मैंने कहा कि ये ए के बराबर है, ठीक है, और मैंने कहा कि जो सिग्मा है, एक मिनट, सिग्मा, ये सिग्मा है, सिग्मा का मैंने स्टार लिया है, सिग्मा का स्टार जो है ना हमारा एस जो है वो सिग्मा के स्टार के बराबर होना चाहिए, यानी कि एस का हम लोग क्लीन क्लोजर लें तो ये बेसिकली उसकी बात कर रहे, ठीक है, और आपके पास जो सिग्मा है, जो आपके पास सिग्मा है वो मैंने कहा कि ए और ए बी है, बी के बराबर है, ठीक है, ए और बी के बराबर है। तो जैसे भी उन्होंने कहा कि ए को फिक्स कर दिया इस रूल के मुताबिक, ए को फिक्स कर दिया, असल में वो ये कह रहे थे कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें लाजमी ए आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि शुरू में और एंड पे कुछ हो भी सकता है कुछ नहीं भी हो सकता। यस सर, और एक और चीज बताने के लिए मैंने यहाँ वर्ड पे आप लोगों को लेके आया हूं, देखें ऐसा हो सकता है कि एक बार यानी कि शुरू में जो एस है वो हो सकता है डबल ए जनरेट करे और yes, उसी स्ट्रिंग के अंदर ये वाला एस उस टाइम पे नल हो। यस सर, मतलब ये लाजमी नहीं है कि एस जो शुरू में होगा वही एंड पे भी होगा, ठीक है, यानी कि अगर हम इसके स्ट्रिंग्स की बात करें ये क्या क्या स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है, तो एक मिनट, ये क्या क्या जो है ना स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकता है, लेट सपोज लैंग्वेज एल इज इक्वल्स टू क्या क्या, सबसे ये बेस केस क्या होगा इसका सर जी, ए जब एस दोनों जीरो हो, मतलब पहला भी नल हो और दूसरा भी नल हो, तो सिर्फ ए ही हो सकता है। बिल्कुल, जब ये पहले वाला एस नल जनरेट कर रहा हो और दूसरे वाला भी नल जनरेट कर रहा हो, और क्या हो सकता है सर जी, ए ए ट्रिपल ए, ए भी हो सकता है, ए ए भी हो सकता है, यस, क्योंकि लास्ट वाला नल हो गया पहले दो, ठीक है, और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मतलब ये पहले वाला एस उसने ए जनरेट किया, एक्स से ए आ गया और आखिरी आखिरी वाले एस ने फिर नल जनरेट कर दिया, ठीक है, यहाँ फिर ऐसे कर लो कि पहले वाले ने नल किया और दूसरे वाला एक्स ये और आखिरी वाला एस ये, ठीक है। अब देखें इसके अलावा ये भी तो कर सकते हैं, ए बी बी ए ए बी और ए बी भी तो जनरेट कर सकते हैं। यस जी सर, दो के तमाम खत्म हो गए क्या तक मेरा ख्याल, सारे लोग ध्यान से जरा देखें गौर से, ये नजर आ रहा है कि बी ए कैसे जनरेट हो गया। जी सर, समझ आ रही है,
सर ये आपने इसकी स्पेस पहले क्यों दी है सर, इसको ये आखिर में हमारे पास नल होना चाहिए ना, आखिर में स्पेस दें आप। आखिर में नल होना चाहिए मतलब, मतलब सर डायरेक्ट को ऐड कर देना क्लास में, वो लीव हो गया। अच्छा एक मैं ऐड कर देता हूँ, डायरेक्ट R1F18BSCS069 डायरेक्ट को मैंने डायल, मैंने यहाँ से डायल कर दिया, ठीक है वो कॉलिंग जा रही है। अच्छा अब यहाँ क्या कह रहे थे स्पेस का? सर वो आपने पहले स्पेसेस दी हुई थी ना बीच में अल्फाबेट्स के, तो ये जो कोमा था इसके बाद आपने जो है स्पेस दी हुई थी, तो मैंने कहा सर बी जो है वो पहला हमारा एलिमेंट हो जाएगा, सेकंड ए होगा और तीसरा नल है। ठीक हो गया। अच्छा देखिए जो ये दूसरा वाला आपका अल्फाबेट असल में तो वो ऐसे है ना, ए ए और असल में नल आ रहा है जी सर, और इसमें भी कुछ ऐसे ही आ रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे नल आ रहा है, क्योंकि मैं इसलिए लिख नहीं रहा उसको कि दूसरे वाला एस नल जनरेट कर रहा है, और अगर इसकी बात करें तो इसने बेसिकली ये ऐसे किया हुआ है, यस नल फिर ए और आखिरी वाले एस से उसने बी जनरेट कर दिया। मतलब बताना ये चाह रहा हूँ आपको सर जी, इसी की दूसरी इंटरप्रिटेशन ये भी तो हो सकती है, ए बी नल इसी की, मतलब जो लास्ट वाला है ना आखिरी नल हो सकता है, इसी की दूसरी इंटरप्रिटेशन तो ये भी हो सकती है, नल बी नल नहीं सर, क्यों नहीं सर, उसकी रीजन बीच में हमारे पास ए होना चाहिए ना, ना 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 बीच की बात नहीं है, ए होना चाहिए, पिछले हमने ऐसे ही किए कि कम से कम ए ए होना चाहिए, उससे पहले और उसके बाद क्या होता है उसे सिर्फ एक चीज देखो, यस एक चीज देखो सर, ये तो सर एस है, यस ये जो एस पहले भी नल होगा, हाँ मतलब देखिए ना कहीं पर ना होगा क्या, देखें कहीं पर ए आना है, yes. उससे पहले कुछ ना कुछ हो, उसके बाद भी कुछ ना कुछ हो, अगर yes. हम कहते हैं ना बी बी और इस एक्सपोनेंट, yes. देखें ये बी और एक्सपोनेंट आपका एस जनरेट नहीं कर सकता ना, यस yes. एस या तो बी करेगा या नल करेगा, यस yes. मतलब ये चीज ये बता रही है कि आखिरी वाले एस ने ना बी और नल जनरेट कर दिए, यस ठीक है, इसलिए ये चीज जरा प्रॉब्लम करेगी, ये मतलब हमने जो मैंने ये लिखा ना इन पे नल ए और फिर नल, मतलब यहाँ पे कुछ जनरेट हो, नहीं हो रहा तो ठीक है कुछ ना लिखो, और जो हो रहे जो स्ट्रिंग उसने जनरेट किया है बी की है बी 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 की है या बी 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 ए इस तरह, देखिए ये भी तो करेक्ट है, Yes. जो मैंने लिखा अभी ए के बाद चार बार बी और फिर ए लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसके पहले नल है, इस पहले वाले ए के पहले, मतलब वो टोकनाइजेशन वाली चीज साथ साथ चलाते जाओ ना तो साथ साथ वो कनेक्ट होता रहेगा, yes. क्योंकि देखिए दूसरा एस तो कुछ भी जनरेट कर सकता है, तो उसने चार बार बी और ए जनरेट कर दिया, लेकिन ए yes. रहा ये वाला ए yes. वो ए है जो ये x वाला a है। क्लास कोई डाउट इसमें? इसे तसल्ली से करें, हम लोग आज जो है ना हमने यही डिस्क्रिप्टिव सॉरी जो रिकर्सिव रूल्स है ना हमने यही वाला काम करना है, हल्का फुल्का रेगुलर एक्सप्रेशन देखा भी तो देखा, तो इसको तसल्ली से सीखें, अभी भी हमारे पास आधा घंटा है, मैंने आपको दो चार एग्जांपल्स और करानी है, ठीक है नेक्स्ट लिखते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम एक लैंग्वेज हमें अगर गिवन हो मिसाल के तौर पे एक लैंग्वेज हम कर लेते हैं, मैं आपको लिख देता हूँ लेट सपोज आगे, हाँ एक लैंग्वेज मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ, डिफाइनिंग द लैंग्वेज, इस तरह की लैंग्वेज है Let's suppose L of strings, जो start और end
सेम लेटर्स पे कर रही हो, बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर्स, और डिफाइन किस पे होगी, डिफाइंड ओवर सिग्मा, डिफाइंड ओवर सिग्मा इक्वल्स टू ए कॉमा बी, इसके ऊपर डिफाइन है, ठीक है। अब रिकर्सिव तरीके से हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या ख्याल है इसका, बेस केस और रूल क्या हम लोग बना सकते हैं? सर ए इज एन एल और फिर सर बीच में हम इसकी ये डाल देंगे कि ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखी हुई है एस एक्स एंड एस वाली, ये सर इसमें दूसरे वाले रूल में डाल देंगे, जिस तरह वो पहले एस एंड एक्स सिर्फ डाला हुआ था, इसमें हम एस एक्स एंड एस डाल देंगे। बिल्कुल वो चीज़। और एक छोटी सी बात जो है ना यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर जहाँ हमने इसके रूल्स पढ़े थे ना, तो वहाँ एक चीज़ ने लिखी थी कि बेस ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, क्या ख्याल है, मतलब एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा बेस ऑब्जेक्ट्स भी मतलब पॉसिबल हैं, तो क्या ख्याल है यहाँ पर कोई मिनिमम आप कोई ऐसी जो है ना स्ट्रिंग बनाओ जो शुरू और एंड सेम पे कर रहे हो, मतलब जैसे आपने कहा सर जी, जहां तक मेरा ख्याल है वो सर जी एम्प्टी ही हो सकती है कम अज कम, क्यों, क्योंकि स्टार्ट में भी कुछ नहीं हो सकता और एंड पे भी कुछ नहीं हो सकता, दरमियान में कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी तो एक है कंसीडर किए जा सकते हैं, ठीक है। एम्प्टी के अलावा और क्या हो सकता है, ए स्टार्ट भी सेम पे हो रहा है, एंड भी बी बी और बी भी हो सकता है, यानी कि बी भी स्टार्ट किस पे हो रहा है, बी पे ही हो रहा है और एंड भी उसी पे हो रहा है, ठीक है, कि बी भी स्टार्ट भी एंड भी उसी पे हो रहा है, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए, अच्छा सर, जी जी सर, मायरा को ऐड करते हैं, उसकी कॉल ड्रॉप हो गई, उनका 17 BSCS का रोल नंबर क्या एंड पे आता है, 37 नादिया, नो सर 18 है, सॉरी R1 F18 यस, और 37 रोल नंबर है, 37 सर। अरे प्यारा में टीम ही हो रही, प्यारा में टीम में ऐड नहीं किया हुआ, टीम में तो बच्चे सारे ऐड हैं, मैं उनसे कहीं का जो, अच्छा ये जो आप आते हैं ना क्या कहते हैं उसे, टीम्स में जैसे ही आते हैं BSCS 6B में, तो सबसे बॉटम पे जो मीटिंग स्केड्यूल हुई है, सबसे बॉटम पे एक ही मीटिंग स्केड्यूल हुई है, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट क्लास में आ जाएंगे। उनका रोल नंबर मुझे फिर भी बता दें सर, मुझे टीम ही नहीं शो हो रही, 69 रोल नंबर है। अच्छा सर, आपने मुझे ना मीटिंग के लिए सिर्फ इनवाइट की, टीम्स में ऐड नहीं की ऑटोमेटिक, एक बार लॉग आउट करके देखे, उनके सारे बच्चे तो मेरे साथ उसी तरह ऐड चलते आ रहे हैं जैसे हम पिछली क्लास में थे ना, वही चलते आ रहे हैं। सर मैं लॉग आउट एक दफा करके देख लूं, अब अभी ना करना, अभी क्लास चल रहे। तो हमजा आप किसका कह रहे थे कि कौन ऐड नहीं है, ऋषि का कह रहा सर, मेरा ही कह रहा, मेरा ही कह रहा, ठीक हो गया, चले आगे चलते हैं। 37 भी आ गई है हम लोग, हाँ इस पे बात कर रहे थे कि हमारे पास जो ना एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज के अंदर हमने कहा कि रूल ये है कि ना स्टार्ट और एंड सेम पे होना चाहिए, तो बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें नल भी आता है और इसमें ए भी आता है और इसमें बी भी आता है, ये अलग अलग अपने तौर पर करेक्ट हैं, ठीक है। मैंने एक मिनट इसका नल को ज़रा कट किया है, क्यों मैं आपको भी बताता हूँ इसका रीज़न कि नल होता है, लेकिन अभी मैंने जो रूल बनाने उसके तहत जो है ना मैं इसको फिलहाल मैंने कट किया, ठीक है। तो रिकर्सिव में पता है स्टेप वन हमें ये होता है कि हम बेस केस बनाते हैं, तो बेस केस आप क्या बना सकते हो, कि लेट से आपका ए और लेट सपोज बी है,
वो क्या है, एक लैंग्वेज लेट सपोज एल का हिस्सा है, मतलब ए भी एल से बिलोंग करता है, और इसके अलावा अगर हम बी की बात करें तो वो भी लैंग्वेज से बिलोंग करता है, क्या ख्याल है? यस सर, यस सर। ठीक है, ये हो गया स्टेप वन आपका। फिर आप स्टेप टू, आपको पता है कि आप जो है ना बताते हो कि आखिर रूल क्या होगा। तो जैसे खिजर ने कुछ देर पहले रूल स्टेट कर दिया था, वही रूल है कि आपके पास जो है ना लेट सपोज एस, ठीक है, और स्टार्ट और एंड किस पे हो रहा हो, सेम पे हो रहा हो। yes. तो आपके एस सेंटर में हो। yes. और X इसके शुरू स्टार्ट पे और एंड। हाँ चलो इसको, हाँ एक्स भी कर लेते हैं। लेट सपोज कि जो है ना, लेट सपोज आप उसको ऐसे लिखो, लेट एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, यहाँ पे इसलिए ऐसे फिर और भी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं। यस, या ए हो सकता है या बी हो सकता है। बिल्कुल, तो फिर आप कह दोगे कि फिर आपका जो जो है ना x, s और s, ठीक है, और x equals to a, मतलब x equals to a के लिए आपका ये रूल भी बन सकता है, और इसी तरह x equals to b के लिए भी, b के लिए भी आप ये रूल बना सकते हो। इसको बेशक अलग अलग लाइन में लिख लेते हैं। क्या ख्याल है कि आपके पास ये रूल्स बन सकते हैं? जी सर, बन सकते हैं। यस सर। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि सबको नजर आ जाए कि हमने ये रूल बनाया है। देखिए ना, अगर x की वैल्यू a होगी तो ये हमें जो है ना, और हाँ s जो आपका है वो जो पहले हम बात करते आ रहे हैं कि जो आपका s है वो बिलोंग करना चाहिए स्टार से, सिग्मा स्टार। बिल्कुल, सिग्मा स्टार से बिलोंग करना चाहिए, मतलब ये कुछ भी जनरेट करे। यस, कुछ भी सम्राट क्लीन क्लोजर ले। अगर आप देखें ना, ये जो आपके पास a और b है, अगर आप रफ में इसका क्लीन क्लोजर ले लो a और b का, तो आप लास्ट स्लाइड पे काम करते हुए आ रहे हो कि ये नल भी जनरेट कर सकता है, a भी कर सकता है, b भी कर सकता है, a b b b डबल a, तो वो कुछ भी हो सकता है। शुरू में जो बीच में जो मर्जी आए, लेकिन स्टार्ट जिस लेटर से हुआ है अगर वो x a के बराबर है तो उसी में, उसी पे ये एंड हो रहा हो। और दूसरा भी, अगर ये जो है ना b से स्टार्ट हो रहा है तो b पे ही एंड हो, हाँ बीच में कुछ आए या कुछ बीच में ना आए। ठीक है, अब देखें इस रूल के मुताबिक अगर हम यहाँ पे इसको नल को भी ऐड कर लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता, क्या ख्याल है? यस सर। ना इसलिए हमने बेस केस से नल को निकाला है, मतलब आप लोगों ने जो है ना इस चीज का जरा ख्याल रखना है कि जब भी आप इस पे काम करो तो आप लोग पहले रफ में स्केच कर लो कि इसका रफ जो है ना, या इनफॉर्मली आप इसे कैसे लिखोगे, वो लिखने के बाद आप जो है ना स्टेप्स पे आइएगा, और फिर बस आप सिंपल लिख दोगे कि स्टेप थ्री क्या है, कि कोई भी जो है ना, स्टेप थ्री बस ये होगा कि कोई भी वर्ड करेक्ट होगा अगर वो अबव गिवन रूल को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसके अलावा कोई भी होगा वर्ड तो वो करेक्ट कंसिडर, या वर्ड कह लो या एलिमेंट कह लो, वो करेक्ट कंसिडर नहीं होगा। कोई डाउट यहां तक? नो सर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, वो एग्जांपल कुछ ऐसे है, नेक्स्ट पेज करते हैं। डिफाइनिंग अ लैंग्वेज लेट सपोज एल इस तरह की के ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग
और डबल बी, यानी कि इसमें डबल डबल ए आ रहा हो या डबल बी आ रहा हो, ठीक है, डिफाइंड ओवर सिग्मा, डिफाइंड ओवर सिग्मा, यानी कि सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए और बी, ठीक है। तो क्या ख्याल है कि जिस एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें डबल ए आ रहा हो या डबल बी आ रहा हो, मतलब ये जो है ना उनमें लाजमी हो, जैसे उन्होंने वो कहा था ना फिक्स्ड हो, फिक्स्ड का वर्ड यूज कर लें यहाँ पे, लाजमी हो ऐसे कर लें, तो क्या ख्याल है, क्या इसका आप जो है ना बेस केस क्या बनाओगे? सर इसको हम x इज इक्वल टू डबल ए कर देंगे एंड जो दूसरा है उसको भी x इज इक्वल टू से कर देते हैं, x के ऊपर n लगा देंगे, पहला याद पहला डबल बी n लगा देंगे सर उसके ऊपर, ठीक हो गया। मतलब जैसे लेट x इक्वल्स टू डबल ए और x इज इक्वल टू डबल बी, और दूसरे स्टेप पे सर वो कर सकते हो चाहो तो ऐसे कर लो, मतलब दो डिफरेंट नाम भी दे सकते हो। जी सर, फिर और कैंसिल होके एंड हो जाएगा, और कैंसिल, हाँ इसमें और भी ठीक है, इसमें इस वाले केस में और भी चलेगा कि मतलब लेट से आपने कहा एक्स और वाई जो है ना आर इन लैंग्वेज, लेट सपोज एल, ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज का हिस्सा है। अब आपने रूल बनाना है तो जिसमें डबल ए जरूर आ रहा हो, डबल ए जरूर आ रहा हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है इसमें एक्स के मुताबिक क्या हो सकता पावर एन सर, सर एक्स की पावर एन वाई की पावर एन, पावर एन एक्स की पावर एन वाई की पावर एन, लेकिन एन स्टार्ट होना चाहिए तो उससे टू से जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि एक टाइम ही टू दो, नहीं सर टू से नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्स तो वैसे ही डबल ए है हमारे पास, तो अगर वन भी होता है ये तो वो नहीं है डबल ए, क्योंकि डबल ए हमने जो नहीं डबल ए जो है ठीक है वो कह रहे हो, लेकिन ये एन की जो है ना वैल्यूज वो किस से स्टार्ट होनी चाहिए, वन से होनी चाहिए ना, एन वन भी अगर हो जाता है तो x की पावर मतलब 1 है और x is equal to double a हो जाएगा फिर। आप लोगों को क्या ख्याल है n कहां स्टार्ट होना चाहिए? 1 से और अब टू सो ऑन, इसको तसल्ली से देख लेते हैं क्या ये रूल करेक्ट है कि नहीं है। x की पावर n ठीक है, जरा एक बार गौर से देखो कि ये अच्छा स्ट्रिंग्स कौन कौन सी जनरेट करेगा, पहले ये हम समझो रफ में आ गए, तो ये क्या क्या जनरेट करेगा? डबल ए कर सकता है, उसके बाद डबल ए जनरेट करेगा, जी सर डबल बी कर सकता है, डबल बी करेगा, नहीं अभी इसी के मुताबिक, एन के मुताबिक चार एक्स के मुताबिक, यस चार एक कर सकता है, फिर आठ है इस सीक्वेंस में चलेगा, जी सर। अच्छा अभी मैं ये नहीं कह रहा ये करेक्ट है, ठीक है, अभी आप लोग जरा साहब इसे गौर से देखो, स्टेटमेंट दोबारा देखिए, वो कह रहे हैं कि ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जिसमें डबल ए आ रहा हो, डबल ए आ रहा हो बस, छह वाला मिस हो, पावर्स में होनी चाहिए, देखिएगा हाँ छह वाला मिसिंग है, ये जो मैंने बी डबल ए लिखा है क्या इसमें डबल ए आ रहे हैं? यस जी सर आ रहे हैं। क्लास ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब मैं अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हमने जरी बातें से एमएस में भी पढ़ा है बीएस में भी पढ़ा है, तो ये जो पॉइंट है ना जिस पे अभी हम बात करने लगे, यहाँ पे आके क्वेश्चंस टेस्ट होते हैं, मतलब आपके पास ना आप जब पेपर में सॉल्व कर रहे हो या कहीं पर भी आपको लगेगा कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं और शायद आपको लग रहा हो कि वो सारे सॉल्यूशंस करेक्ट हैं, यहाँ पे आके आपने वैलिडेट करना अपने आंसर को, मतलब आपने जो रूल बना लिया ना आप उसके बाद देखो यार कोई ऐसा तो नहीं है स्ट्रिंग जो मेरे रूल को वायलेट कर रहा हो,
सर डबल जैसे मैंने देखा क्या बता रहे हो डबल बी डबल बी हाँ मतलब नहीं वो ठीक है वो अब कर लेते हैं मैंने x को भी n पे किया ना फिर y को n पे करूंगा तो वहां पे तो डबल बी दे देगा लेकिन देखो जैसे मेरा यही जो रूल है ये मुझे जो है ना डबल ए डबल बी डबल ए ये जनरेट करके नहीं दे रहा क्या ख्याल है इसी तरह मेरा ये रूल सर जी जी ये फिर हमारा जो स्टेप टू है सर इसमें और चीजें हम ऐड अगर कर देंगे तो फिर ये चीजें नीचे वाली भी वैलिडेट हो सकती हैं बिल्कुल मैं इसी तरफ लाना चाह रहा हूँ कि हमने जो रूल डिफाइन कर रहे हैं जब भी करें किसी भी लैंग्वेज के लिए तो उसे तसल्ली से देखें कि वो सारे और से देखने का मतलब ये होगा कि आगे पीछे बंदे से पूछे बिना इसको देखने का मतलब ये हो कि आप इनफॉर्मली इसको से साइड पे लिखो देखो कि कौन कौन से स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं और फिर स्टेटमेंट को देखो कि इसके मुताबिक कौन कौन से करने चाहिए क्या जो है ना मेरा रूल लिखा हुआ वो वर्ड्स जनरेट कर रहे अगर किसी एक जगह पे भी फेल करता है अगर किसी एक जगह पे भी फेल करता है क्लास तो इसका मतलब है कि वो रूल करेक्ट कंसिडर नहीं होगा मतलब एक वर्ड लैंग्वेज का हिस्सा होना चाहिए स्टेटमेंट के मुताबिक आपके रूल के मुताबिक वो नहीं कर रहा तो आपका रूल गलत कंसिडर किया जाएगा आपका रूल गलत कंसिडर किया जाएगा तो इस चीज को जरा आप सबने ध्यान से देखना है ठीक है इसका मतलब है इन्होंने कहा सही के हमें रूल में कोई चेंज करना होगा रूल में कोई डेफिशिएंसी है तो कोई और रूल आप लोगों के ज़हन में आ रहा हो या इसी को आप क्या चीज सर एस ऑफ एक्स एस और एस और एक्स और या एक्स और एस दोनों सर जिस तरीके से बताइएगा जरा एक एक वर्ड करके बताइएगा सर एस और एक्स एस ऑफ एक्स मतलब एस ब्रैकेट स्टार्ट और वो एक्स X और सर दूसरा हो सकता है कि क्या नाम से पहले X आ जाए और फिर S आ जाए मतलब आप कह रहे हो S उसके बाद X बस ये सर X सर Y के लिए भी यही होगा कि सर S of X और S of Y सर S of Y हाँ सर ये इसी तरह भी हो सकता है कि Y पहले आ जाए और S बाद में बट सर इसमें आप एंड में भी जो है S डाल सकते हो मतलब ये चीजें मतलब X ये नहीं है कि वो सेंटर में ही रहेगा वो आप फर्स्ट पे भी कर सकते हो लास्ट पे भी कर सकते हो और हाँ और एस को भी एस की भी जो सर जो है ना जगह वो इधर उधर हो सकती है और फ्रंट पे भी और लास्ट पे भी क्लास की बातें समझ आ रही है ये जो डिस्कशन हो रही है ये सही कह रहे हैं कि पहले देखें हमने इतना बनाया तो फिर हमें इतना बना के साथ ही आइडिया हो गया नहीं एंड पे भी आ सकता है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन उसने कहा बट डबल ए आना चाहिए या डबल बी तो बिल्कुल ये जो रूल अब हमने बनाए हैं एस एक्स और फिर एस या एस वाई और एस ये जो रूल है ये बिल्कुल करेक्ट है अब देखिए ना एक्स की बारी यहाँ डबल ए आ जाएगा और वाई की बारी यहाँ डबल बी आ जाएगा और वही वाली बात जो हम पहले लिखते आ रहे हैं कि वेयर एस जो है ना वो किससे बिलोंग करेगा स्टार से सिग्मा स्टार से बिलोंग करेगा यानी कि एस कुछ भी जनरेट कर सकता है एस कुछ भी जनरेट कर सकता है और जो है ना इसीलिए आपने लिख दिया ये रूल बना दिया कि अगर एक्स के लिए करना है तो डबल ए आ रहा हो अब देखें एक्स सेंटर में डबल ए फिर भी सेंटर में नहीं आ रहा डबल ए फिर भी सेंटर में नहीं आ रहा है ना यस एक बार अगर एस जनरेट करता है पहला एस ए बी ए बी ए बी ए बी ये पहले वाले एस ने जनरेट कर दिया यस तो इसको वो पहले वाले एस ने जनरेट कर दिया फिर एक्स की वजह से आ गया हमारा डबल ए और दूसरे वाले एस ने सिर्फ लेट सपोज ए भी जनरेट किया ठीक है आप देखें
डबल ए लाजमी आर है, यस सर, ठीक है, वो बेशक बैलेंस्ड नहीं भी है दोनों साइड्स पे, लेकिन डबल ए आना चाहिए लाजमी, लेकिन डबल ए आर है। और इसी तरह यही काम आप वाई के लिए, वाई वाले केस को डिस्कस कर लो कि पहले वाला ये जो इसका एस है, ये लेट सपोज ये जनरेट करता है, फिर y ने जनरेट किया डबल b और s ने कुछ जनरेट नहीं किया आखिरी वाले ने, पहले वाले s ने निकाल के दिया आपको इतने सारे a, फिर y ने आपको तो डबल b ही देना था, और आखिरी वाले s ने कुछ नहीं दिया, तो बेशक आप मतलब लिखते नहीं हो लेकिन असल में उसने आपको नल स्ट्रिंग निकाल के दिया। तो इस तरह से ये भी जो स्ट्रिंग आपने निकाली है, अब कोई भी ऐसा स्ट्रिंग आपने पास बेशक रजिस्टर्स पे लिखो या सोचो जिसमें डबल ए आता हो लेकिन वो इस रूल से निकलता ना हो, डबल ए आता हो और वो इस रूल से ना निकलता हो, जरा ऐसे सोचो। ये स्टेप टू में आपने दो रूल्स बनाए हैं, कोई भी ऐसा स्ट्रिंग सोचो जिसमें डबल ए आ रहा हो लेकिन इससे ना निकलता हो, जरा तसल्ली से सोचो। इससे ना निकलता हो सर, मतलब हाँ, इसमें ना हो कि इस रूल के मुताबिक वो सेटिस्फाई ना हो रहा हो, क्या कोई ऐसा स्ट्रिंग आपके ज़हन में आ रहा है सर? उसमें सर अगर एस जो है हमारा मतलब डबल ए स्टार्ट पे आ जाता है, ठीक है सर, उस बीच में ए भी है एंड स्टार्ट में फिर से हमारे पास बी भी है, तो सर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा? एक मिनट देख लेते हैं, आप मुझे स्ट्रिंग बोलो मैं लिखता हूँ, बोलिए। डबल ए, डबल ए, ए बी एंड डबल बी कर दे सर, यहाँ डबल बी जी सर। ये देखो ना, इसमें ये हो जाएगा कि ये डबल ए है, आगे कुछ भी हो सकता है, यस हाँ, ये डबल ए तो यहाँ से निकल आया, ठीक है सर, पर शुरू वाले एस ने क्या निकाला है फिर? डबल ए उसने निकाल दिए, शुरू वाले एस ने एम्प्टी, एम्प्टी, एम्प्टी निकाला है, शुरू वाले ने एम्प्टी निकाला है और इसलिए जो है ना डबल ए वहां पे है, मतलब डबल ए तो इस एक्स की वजह से आ रहा है, यस, बाकी जब आपने उसका जो है ना क्लीन क्लोजर ले लिए ए और बी का, तो वो तो कुछ भी निकाल सकता है। बट सर ये जरूरी देखे ना सर, आपने हमने ये जो लिखा हुआ है रूल जिसमें एक्स हमने दरमियान में लिखा हुआ है, जरूरी तो नहीं है ना एक्स हमेशा हमारा दरमियान में ही हो सर, ये एक्स हमारा स्टार्ट में भी तो हो सकता है, ये जो एस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट में, इसकी जगह हम एक्स यहाँ पर पहले भी तो लिख सकते हैं सर। एक अगर आप पहले लिख दोगे इसका मतलब है कि शुरू में डबल ए लाजमी आ रहा है, स्टार्ट में लाजमी आना चाहिए, उसका ये मतलब है जी सर। तो सर हमारा यहाँ पर एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है कि डबल ए बस आना चाहिए, तो उसमें हमारी ये जगह नहीं है कि वो स्टार्ट में आए, बीच में आए या एंड में आए, बस वो आना चाहिए, तो सर हम उसको हर चीज से वैलिडेट करेंगे, यहाँ पर मिड में हुआ है तो हम एक दफ़ा उसे स्टार्ट में भी लिखें फिर, और सर एक दफ़ा लास्ट में भी लिखें, और ये जो वाई भी है सर इसको एक दफ़ा स्टार्ट में भी लिखें और इसको लास्ट में भी लिखें और मिड में भी, तो सर ये क्वेश्चन फिर टोटल वैलिडेट हो जाएगा। जैसे आप कह रहे हो ना, अगर हम उस तरह करें वो आएगा रेगुलर एक्सप्रेशन में, उसमें ये फिर आप ना और लगाना पड़ेगा कि देखो शुरू में आ जाए या एंड में आ जाए या बीच में आ जाए, तो वो उसके हिसाब से वो पिक कर लेगा, मतलब आप बेसिकली कह रहे हो ना कि स्टार्ट एंड और स्टार्ट बीच में और एंड पे चार तीनों जगह लिख दें, तो जिसके हिसाब से वो पिक कर ले। जी सर जी, अगर उस तरह चलेंगे तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन में गेम चलती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने देखें हमने एक जेनेरिक रूल बताना है, तो अभी अभी आप कोई भी स्ट्रिंग सोचो, जो आज मैंने आप लोगों से क्वेश्चन इसलिए किया था, कोई भी स्ट्रिंग सोचो जिसमें डबल ए या डबल बी आ रहे हैं, वो लाजमी इस हमारे इन रूल्स के मुताबिक लाजमी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने एस को सिग्मा से बिलोंग करवा दिए। यहाँ पे एक बात जो आप लोगों से एंड में कहूंगा कि अब आप लोगों ने ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है, मैंने आपको बताया कि डबल ए आए, अब समझो कि अगर इसमें ये रिस्ट्रिक्शन लग जाए कि स्टार्ट में डबल ए या डबल बी आए, तो वो कैसे होगा, ये अलग क्वेश्चन बनता है।
फिर दूसरा क्वेश्चन कि जो है ना डबल ए पे शुरू अगर हो रहा हो तो डबल बी पे खत्म हो, या डबल बी से शुरू हो रहा हो तो डबल ए पे खत्म हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे सॉल्व होगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, आप लोग लिख लीजिए इसे, नेक्स्ट क्लास में यहीं से बात स्टार्ट करेंगे कि ऐसी स्ट्रिंग्स जो डबल ए पे शुरू हो रही है ना वो डबल बी पे खत्म हो, और डबल बी वाली जो स्ट्रिंग्स हैं शुरू होने वाली वो डबल ए पे ही खत्म हो रही हो। यस सर। मतलब इसका इसके लिए जरा रिकर्सिव डेफिनेशन बना के जरा ट्राई करनी है कि ये कैसे होती है, ठीक है। और सर जी बात सुनिए।